नान खताई बनाने के लिए आपको चाहिए 1 कटोरी घी या फिर बटर, और चाहिए 1 कटोरी पाउडर शुगर, या फिर आप घर पे चीनी पीस सकते हैं। फिर इन दोनों को आपको मिक्स करना है 4 to 5 मिनट, जब तक कि फ्लफी ना हो जाए और बिल्कुल स्मूथ सा बैटर ना बन जाए इसका। इसके बाद में आपको ऐड करना है 2 कटोरी मैदा, तो इसका रेशियो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 2 कटोरी मैदा मैंने डाला है। उसके बाद में लेना है 1 कटोरी बेसन। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है अपने हाथों की सहायता से। आपको इसमें कोई भी गांठे ना रहे, इसमें लम्स ना रहे, उस तरह से अच्छे से इसका डो तैयार कर लेना है। अब नान खटाई को शेप देने के लिए आप अपने हाथों पे घी लगा ले, तो उससे शेप अच्छा आएगा, स्मूथली मतलब बन जाएगा इजीली। तो यहाँ पे इसको पहले राउंड राउंड करना है अपने हाथों से, और फिर इसको प्रेस कर देना। देन जो भी आपको शेप देना है वो आप दे सकते हैं। यहाँ पे मैंने राउंड शेप में बनाई है, आप चाहे तो कोई भी शेप में बना सकते हैं। देन इनको बनाने के बाद में आपको लेना है 1 कढ़ाई, और उसमें रखना है 1 कटोरी, और फिर उसमें रखनी है थाली। जो थाली है यहाँ पे मैंने बटर से घी से एक्चुअली इसको ग्रीस कर लिया है, देन रखा है। और अगर आपके पास बाटिया कुकर है तो आप उसमें भी बना सकते हैं। तो उसमें भी ये सेम प्रोसेस मैंने किया है, थाली में घी लगा के फिर रख दिया। तो यहाँ पे दोनों तरह से बन रही है। तो ये जो फर्स्ट वाली है ये बाटी के कुकर में बनाई है मैंने, तो ये ऐसी बनी एकदम बहुत ही टेस्टी। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बाय बाय।